बेबी का नाम जो है अभी चेंज हो चुका है, लेकिन क्या नाम है जो आप लोग देख लिए होंगे, गाइस अभी देख सकते हो आगे वाला व्हील में जो पूरा राउंडिंग लग चुका है दोनों से। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग में आप लोग को दिखाने वाला हूँ अपने बेबी जो है, जो अपना बेबी जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, देख सकते हो वहाँ पे लगाए हैं। तो आज जो है अपने बेबी को मॉडिफाई कराने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे साथ देख सकते हो कलाम है। तो दोनों आदमी अभी जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मेन मार्केट में जा रहा हूँ, अपने बेबी को मॉडिफाई कराएंगे और कुछ अलग ही तरह से मॉडिफाई कराएंगे। एक्चुअली इससे पहले मॉडिफाई कराया था, लेकिन थोड़ा बहुत और कराना है और थोड़ा सेक्सी बनाना है उसको। ब्लॉग कंटिन्यू जरूर देखिएगा, जो कि आज का ब्लॉग काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो आप लोग आज का ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। जो है बस थोड़ा ही दूर है, तो लगभग 5-10 मिनट लगेगा। तो गाइस यहाँ से जो है मुझे राइट लेना है, और देख सकते हो यही है डी क्रॉस, और यहाँ पर भी एक बड़ा सा ब्रेकर है। ओ भाई, सो गाइस अभी जो है डी क्रॉस से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग जो है जा रहे हैं मार्केट की ओर, जो कि इधर जो है मेन मार्केट है दुधवालापुर का। और यहाँ के व्यू देख सकते हो काफ़ी अच्छा है यार, क्योंकि ये दुधवालापुर का व्यू है। और इधर देख सकते हो बहुत बड़ा तालाब है यार, जो कि देख सकते हो पूरा मलेरिया से पूरा घिरा हुआ है, और व्यू काफ़ी अच्छा है। और ये शॉप देख सकते हो, भैया का शॉप का नाम कनाडा में लिखा हुआ है यार, जो कि मुझे आइडिया नहीं है। यहाँ भारत स्टिकर कटिंग देख सकते हो, और भैया का शॉप जो है कुछ इस प्रकार से है। सो यार देख सकते हो अपने बेबी को जो है पूरा काम बता दिया हूँ, क्या क्या करना है इसमें नहीं करना है। तो आप लोग को भी मैं बता देता हूँ गाइस, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप लोग व्हील में जो लगे हुए हैं कलर, उसको रिमूव करवा के दूसरा कलर लगवाना है। और कौन सा कलर लगाएंगे नहीं लगाएंगे जो आप लोग को मिल जाएगा देखने को, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि आगे भी और पीछे भी देख सकते हो आप लोग सेम कलर है दोनों साइड, तो उसको भी रिमूव करवाना है। और देख सकते हो यहाँ पर आइलिंग कर रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो पूरा निकाल रहे हैं। देख सकते हो आप लोग अभी जो है रेड कलर का जो था वो पूरा निकाल दिया है, तो अभी जो है इसमें मैं लगाने वाला हूँ लेमन। अभी जो है अपना बेबी का जो व्हील में जो स्टिकर लगा था रेड कलर का, वो पूरा निकाल दिया है, और वो निकालने के बाद आइलिंग कर रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत लगा है पूरा निकाल रहे हैं। जो लगाने वाला हूँ लेमन येलो कलर का स्टिकर, वो भैया अभी लगा रहे हैं। तो देखिए, चलिए देखिए कैसे है नहीं है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। गाइज अभी देख सकते हो आगे वाला व्हील में जो पूरा राउंडिंग लग चुका है दोनों साइड, जो कि काफ़ी सेक्सी लग रहा है यार देखने में, जो कि देख सकते हो आप लोग पूरा लग चुका है। अभी जो है पीछे वाला में जो है अभी हो रहा है, तो देख सकते हो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। और वाइट में जो है ये लेमन कलर का जो है काफ़ी लाइटिंग दे रहा है यार, जो कि आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है। अभी जो है काफ़ी ज़रा शाम हो चुका है यार, 6:30 हो चुका है, और अभी भी थोड़ा बहुत काम अभी बाकी ही है, जो कि देख सकते हो बाइक वहाँ पर लगे हुए हैं मेन स्टैंड पे। और वहाँ पर जो है माई स्वीट लॉकी जो है वो भी लगा दिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि आप लोग देखे ही होंगे। और कुछ उसको करना है, क्या क्या करना है सभी कुछ आप लोग को अपडेट मिलेगा, तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहेगा यार। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा डाउन मिलेगा, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा शाम हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, तो अंधेरा है, तो अंधेरा में भी काम हो रहा है भाई। तो क्या बताऊँ यार, काफ़ी लेट हो चुका था हम लोग को आने में, इसलिए पीछे बेबी लगे हुए हैं। और बेबी का नाम जो है अभी चेंज हो चुका है, लेकिन क्या नाम है जो आप लोग देख लिए होंगे, उसका नाम डाले लॉकी, माई स्वीट लॉकी। तो लॉकी नाम कैसा है नहीं है जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, मेरा तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेसिंग क्या है नहीं है। तो गाइस
जी अभी जो है काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, 6:30 बज चुका है, तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है। उसमें थोड़ा काम बाकी रह गया, वो कल हम आकर के कभी भी फिनिश करवा लेंगे। और अभी जो है भैया काफी ज्यादा मेहनत किया है, जो कि भैया से कुछ बात कर लेंगे। भैया क्या नाम था आपका? अफरीदी। जो कि भैया बहुत सारा मेहनत करके, बहुत सारा मेहनत किया और काफी अच्छा से हमारा जो है बाइक में जितना काम था काफी अच्छा कर दिया है। और भैया के शॉप में कल फिर से आना है और काफी अच्छा भैया काम करते। तो अगर आप लोग दुधवालापुर से हैं तो डी क्रॉस में आप लोग भैया के शॉप में एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और भैया का शॉप का क्या नाम है जो भैया खुद बताएंगे? हमारा स्टिकर कटिंग है दुकान का। स्टिकर कटिंग है। अगर आप लोग हमारा वीडियो देख करके आते हैं और हमारा नाम बोलते तो भैया 5% डिस्काउंट भी दे देगा, है ना भैया? 20% देंगे आप आए तो। अगर हमारे नाम से आते तो भैया डिस्काउंट भी देगा और काफी अच्छा काम करते हैं यार, जो कि आप लोग वीडियो में देख लिए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए, काफी अच्छा भैया काम करते। और थोड़ा बहुत काम रह गया, वो कल आके हम लोग फिनिश करवा लेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से छोटे से ब्लॉग के बाद अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद।